हाय फ्रेंड्स, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आपको याद होना चाहिए कि हम वेक्टर में एक्सरसाइज 10.4 बना रहे थे, जिसमें 5 क्वेश्चन बनाए थे। आइए छठा क्वेश्चन पर गौर किया जाए। दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0। तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आइए बनाते हैं दोस्तों। पहला क्या दिया हुआ बताओ, क्या दे ले? गिवन मतलब दिया हुआ, क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। आइए ये डॉट है, डॉट का फॉर्मूला बोल। पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ए मान हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, बराबर के सामने बराबर, ए 0, कोई दिक्कत है? आइए इसको आप समीकरण नंबर 1 समझिए। एक बात और समझो, ये पूरा का मान 0 लाना है कि पूरा का मान 0 तभी आएगा जब चाहे तो मॉड वेक्टर ए का मान 0 या मॉड वेक्टर बी का मान 0, मतलब ये दोनों में से कोई एक हो 0। यहां पर 0 लाएंगे रखेंगे तो गुना करेंगे तो 0, यहां पर 0 रखेंगे तो गुना करेंगे तो 0, यानी एक कथन तभी सत होगा जब मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी में से कोई एक हो 0, है ना। यानी और आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है आगे, चलिए ये देखो बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, सॉरी इतना दे रहा। अब आगे बढ़ते हैं, इधर भी मॉड लगाइए, इधर भी मॉड लगाइए, दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। अब आइए बाबू, इतना का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए? इतना का फॉर्मूला मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, बराबर के जगह बराबर। जिस तरह से मॉड वेक्टर ए बराबर ए लिखते थे, मॉड वेक्टर बी बराबर बी लिखते थे, तो मॉड वेक्टर 0 बराबर 0 लिखेंगे। अब आइए समीकरण नंबर 1, अब आइए इतना का मान फाइनल रिजल्ट 0 है तो 0 तभी होगा चाहे तो मॉड वेक्टर ए का मान 0 हो या तो मॉड वेक्टर बी का मान 0 हो। यानी समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एक का मापांक 0 होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी में से किसी एक का मापांक 0 हो तभी आप इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 वेक्टर लिख सकते हैं। माने ये दोनों समीकरण से रिजल्ट यही निकलता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से किसी एक का मापांक 0 हो सकता है, 0 होना चाहिए, अर्थात या तो मॉड वेक्टर ए बराबर 0 या तो मॉड वेक्टर बी बराबर 0। क्या लिखेंगे बाप, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से किसी एक का मापांक 0 होना चाहिए, अर्थात मॉड वेक्टर ए बराबर 0 या तो मॉड वेक्टर बी बराबर 0।
मॉड भागतर ए बराबर जीरो या तो मॉड भागतर बी बराबर जीरो, मतलब दोनों में से किसी एक का मान जीरो होना चाहिए। चलिए ये था आपका आंसर, बढ़िया से समझ लीजिए बाबू। चलिए बढ़िया से देख लिए, अब आगे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हाँ बाबू, इस एक्सरसाइज का जो सातवां क्वेश्चन है बाबू वो बहुत लॉन्ग है, ये बोर्ड पर बनाकर वीडियो करना बहुत वक्त लगेगा, तो हम उसको पेज पर बना करके वीडियो में या कम्युनिटी में डाल देंगे। तो आठवां क्वेश्चन देखिए, समझिएगा बढ़िया से। भक्तर ए बराबर, भक्तर ए बराबर जीरो भक्तर, अथवा मन या भक्तर बी बराबर जीरो भक्तर, इसका अर्थ ये हुआ कि भक्तर ए और भक्तर बी में से कोई एगो जीरो भक्तर है, लिखला कि भक्तर ए और भक्तर बी में से कोई एगो जीरो भक्तर है, तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो भक्तर होता है। इसका अर्थ यह कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एगो जीरो वेक्टर हो तब उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। कहता क्या विलोम सत है, विलोम का मतलब उल्टा, उल्टा कोची कि यदि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तब उनमें से कोई एगो वेक्टर जीरो होता है। अब इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, फिर भर क्वेश्चन समझो। वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एगो जीरो वेक्टर हो तब उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्या विलोम सत है? विलोम का मतलब कि यदि दोनों वेक्टर का, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एगो जीरो वेक्टर होगा? अब इसको हाँ और ना में आंसर दीजिए उदाहरण के साथ। आइए हम उदाहरण लेते हैं बाबा। चलिए लेट मतलब माना वेक्टर ए बराबर, चलिए वेक्टर बी बराबर, चलो देखिए तो वेक्टर ए बराबर इतना माना, वेक्टर बी बराबर इतना माना। आइए इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाल, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस निकालने का तरीका डिटरमिनेंट, पहला लाइन आई जे क्यू, दूसरा लाइन पहला वेक्टर का गुणांक, पहला वेक्टर ए आई का गुणांक बन, जे का गुणांक बन, के का गुणांक, तीसरा भैक्टर, दूसरा तीसरा लाइन दूसरा भैक्टर का गुणांक दू दू दू। चलो इसको यहीं पर हल करेंगे, पहले आई लेंगे, अब आई से रिलेटेड खड़ी पड़ी कैंसिल, यहां से पड़ी यहां से खड़ी, वन वन टू टू, चलो प्लस अभी होना चाहिए माइनस, जे से रिलेटेड खड़ी पड़ी कैंसिल, जे हो यहां से पड़ी यहां से खड़ी, वन प्लस माइनस प्लस, चलो के से रिलेटेड यहां से ही, आइए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। आई वन में दो से गुना करो, दो दो में वन से, चलो बाबू वन में टू से टू, चले प्लस कितना टू घटाओ टू, दो में दो घटाओ तो जीरो, दो में दो घटाओ तो जीरो, दो में दो घटाओ तो जीरो। अब आइए देख बाबू, ये सभी वेक्टर का आप मापांक निकालेंगे, सब का मापांक निकालने का तरीका तो आप जानते हैं, रूट अंडर आई के गुणांक के होल स्क्वायर प्लस जे के गुणांक के होल स्क्वायर, सब तो जीरो जीरो है, इसका मतलब इस सब का मापांक कितना आएगा जीरो, तो जिस वेक्टर का मापांक जीरो होता है उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। इतना ना लिख करके इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है जीरो वेक्टर, ये पूरा को
जीरो बाय 73 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसका मापांक निकालेंगे तो जीरो आएगा, यानी कितना आया रिजल्ट बाबू, इसलिए क्या रिजल्ट आया, 72A x 72B बराबर 0/72, यानी दोनों 72 का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। अब जांचिए कि दोनों 72 0/72 है कि नहीं। अब जानते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है बाबू, कोई प्रॉब्लम? जानते हैं बाबू, बहुआ बराबर +72A+72B+72 के, अब इसको जांच करके पता लगाना कि 0/72 है कि नहीं। तो 0/72 कब होगा, जब इसकी मापांक 0 आएगा तब। आई इसकी मापांक निकाल, मापांक निकालने का तरीका रूट अंडर आई का गुना जे का गुना के का गुना, क्या हल करेंगे √3, यानी बताओ अब इस वेक्टर का मापांक √3 है, माने 0 नहीं है, यानी वेक्टर ए 0/72 नहीं है। क्या लिखेंगे, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0/72। अगेन अब जांच करो वेक्टर बी का, चलो इसका मापांक निकालो, रूट अंडर आई का गुना जे का गुना, चलिए रूट अंडर 4 + 4 + 4 4 × 3 2 × √3। बताओ इसका मापांक 2 × √3 माने 0 नहीं आया, मतलब कि वेक्टर बी भी 0/72 नहीं। क्या देखें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, लेकिन उनमें से कोई वेक्टर 0 नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता था कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एगो 0/72 हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट नेसेसरी 0 होता है, लेकिन यदि उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो क्या उनमें से कोई एगो 0/72 होता है। देखिए तो 0 आ रहा है, तो क्या विलोमता सत है कि असत है। फिर एक बार समझो, वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एक वेक्टर 0 हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट नेसेसरी 0 होता है। विलोम माने उल्टा, यदि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का तो क्रॉस निकाले तो 0 आया, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी का क्रॉस 0 आया ना बाबू, 0 आया। अब बता ए और बी का निकाले मापांक तो √3 × 2 × √3 मतलब 0 नहीं आया, मतलब इनमें से कोई वेक्टर 0/72 नहीं है। तब बताओ बाबू, विलोमता सत है कि असत है? असत है, यानी आंसर होगा नहीं। यहां पर लिखेंगे आंसर नहीं होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू, बाबू इस एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का नियामक दिया हुआ है। अगर शीर्षों का नियामक दिया हुआ है तो वेक्टर प्रोसेस से क्रॉस प्रोडक्ट से हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थ्योरी याद किया जाए। अगर त्रिभुज के कोई दो आसन भुजा दिया हुआ है तब क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके सबसे पहले सुनिए बड़े थ्योरी, अगर त्रिभुज के कोई दो आसन भुजा दिया हुआ है तब क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, इसके बाद उसका मापांक निकाला जाता है, तब उसमें दो से भाग दे दिया जाता है। आइए बाबू पहले हम इसको समझते हैं कैसे करोगे। पहले त्रिभुज बनो, त्रिभुज ये बोलो भाग ए बी सी, ए का नियामक 1 1 2, बी का नियामक 2 3 5, सी का नियामक 1 5 5। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहीं से इसको बहुत तरीका से यहाँ पर ए रखें, तब बताओ अगर शीर्ष ए के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो एक बार वेक्टर ए बी निकाल लो और एगो वेक्टर ए सी निकालो।
अगर किस शीर्ष के माध्यम से क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ से वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल सकते हैं। अगर हम बी के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो एक बार वेक्टर बी सी और एक बार वेक्टर बी ए निकालना। फिर समझो, ए के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर वेक्टर एगो ए बी निकालो, एगो वेक्टर ए सी निकालो। बी के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से वेक्टर को बी सी निकाल लो, एगो वेक्टर बी ए निकाल लो। अगर सी के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो वेक्टर सी बी और वेक्टर सी ए, सब का आंसर एक ही आएगा। ए की सहायता से निकालना चाहते हैं तो एक बार वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। बी की सहायता से निकालना चाहते हैं तो वेक्टर बी ए निकालो और वेक्टर सी ए निकालो। सी से निकालना चाहते हैं तो वेक्टर सी ए और वेक्टर, कोई एक उस शीर्ष से लेकर के दो वेक्टर निकाल लेना है, फिर दोनों का क्रॉस निकालना है, फिर मापांक निकालना है, फिर दो से भाग दे देना है। कोई दिक्कत है बाबू? तो चलिए किस से हम निकालते हैं, आइए हम यहीं से चलते हैं। क्या ए से? तो एक वेक्टर ए बी आई से, आइए वेक्टर ए से, चलिए आओ वेक्टर ए भी निकालते हैं। चलो याद करो, अगर छोरों का नियामक दिल है तो वेक्टर निकालने के लिए दूसरे बिंदु के नियामक में पहले बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। तो बताओ बाबू, यहाँ पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, यानी बी के नियामक में ए के नियामक को घटाया जाएगा। कि बी का नियामक ये है, ए का नियामक ये है, दो में घटाएंगे एक, तीन में घटाएंगे एक, पांच में घटाएंगे दो। चलिए दो घटा वन वेक्टर आए, तीन घटा वन वेक्टर जे, जो फाइव घटा टू वेक्टर के। चलिए इसको हल करते हैं, वेक्टर ए भी दो में वन घटेगा, वन वन में ऐसे गुणा करा, तीन में वन घटेगा दो, पांच में दो घटेगा तीन, ये हो गया वेक्टर ए भी। अब निकालेंगे वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी बताओ दूसरा है सी, तो सी के नियामक में ए के नियामक को मतलब एकरा में ई घटाएंगे, वन घटा वन, फाइव घटा वन, फाइव घटा टू, वन घटा वन वेक्टर आए, फाइव घटा वन वेक्टर जे, फाइव घटा टू वेक्टर के। हल किया जाए, वेक्टर ए सी बरा वन में वन जाएगा, जीरो वेक्टर आए, फोर वेक्टर जे, थ्री वेक्टर के। चलिए निकल गया। अब चलिए देखते हो बाबू, ये दोनों भुजा एक बिंदु पर मिल रहा है, तो बता इस त्रिभुज का दो आसन भुजा मिल गया, तब क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले दोनों का क्रॉस निकालेंगे और फिर उसका मापांक निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आएगा उसमें दो से भाग दे देंगे। तो आइए पहले हम निकालते हैं मापांक। चलिए किसका किसका मापांक? वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का। यहां लिखते हैं, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो बताओ अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के तरीका, वेक्टर आए, वेक्टर जे, वेक्टर के। आइए दूसरा लाइन पहला, तो पहला ए बी, तो ए बी का गुना वन टू थ्री, वन टू थ्री। तीसरा लाइन दूसरा वेक्टर का गुना जीरो फोर थ्री। अब इसको हल कीजिए, हल करने का तरीका हम बताए हैं, आई से रिलेटेड ई या ई कट जाएगा, दो तीन चार तीन, ये प्लस अबरी में लिख देंगे माइनस। चलिए जे से रिलेटेड खड़ी पड़ी, यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी, वन जीरो थ्री थ्री, प्लस माइनस अबरी लिख दो, प्लस जे से के से रिलेटेड ही है ई। इसको हल करें, चलो दो में तीन से गुना छ, तीन में चार बारह, एक में तीन से गुना तीन, तीन जीरो,
फॉल्स। बोलो बाबू, वन में फोर, फोर जीरो, कोई दिक्कत है? देखिए एक बार बढ़िया से। चलो बउआ ऊपर मिटारते हैं दोस्त, हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वेक्टर ए भी क्रॉस वेक्टर ए सी का निकाल रहे हैं, मिटारते हैं दोस्त ऊपर। हाँ छोटू हल करते, क्या निकाल रहे थे बाबू? वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, क्या आया बताइए? छ में बारह घटेगा माइनस छ, यहाँ तीन में जीरो, एक इतना चार, इसलिए बोलो मापांग भट्टर मॉड भट्टर ए बी क्रॉस भट्टर बी सी। मापांग निकालने का तरीका रूट अंडर आई का गुणा कितना, माइनस छ के स्क्वायर माइनस तीन के स्क्वायर चार के स्क्वायर रूट अंडर हो गया छत्तीस प्लस नौ प्लस सोलह पैतालीस, तो आपका हो जाएगा इकसठ। आइए बाबू को मिटाते हैं दोस्त, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला हो, एक बटा टू इंटू मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, एक बटा टू इसका मान लाए हैं रूट इकसठ, इसको हल कर दो, रूट इकसठ बटा टू क्षेत्रफल को लिखा जाता वर्ग में, आ यहाँ कोई मात्रक नहीं तो लिख दो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, दिस इज ए आंसर। देख लीजिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ दोस्त, इस चैप्टर का दसवां क्वेश्चन देखिए, कहता है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कब? जब उसकी संलग्न भुजा आसन भुजा कौन कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा निर्धारित है, अगर समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा देल है दो आसन भुजा देल है तब उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, फिर उसकी मापांक निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समझ में आया बाबू? जब आसन भुजा देल है तो सबसे पहले दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, दोनों का सेम है, अगर त्रिभुज का निकालना हो तो क्रॉस निकालो मापांक निकालो तू से भाग दे दो, समानांतर का निकालना है तो क्रॉस निकालो खाली मापांक निकालो, मतलब यहाँ मापांक निकाल कर छोड़ देना है, त्रिभुज का निकालना रहता है तो मापांक निकाल कर दू से भाग देना है। चलिए बनाते हैं दोस्त, आइए ए बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस थ्री वेक्टर वेक्टर बी बराबर टू वेक्टर आई माइनस सेवन वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। अब आइए हम दोनों का क्या निकालेंगे, मापांक तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, चलिए मॉड वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, चलिए दूसरा लाइन पहला वेक्टर का गुणांक वन माइनस वन थी, चलिए तीसरा लाइन दूसरा वेक्टर, अब इसको हल करो, हाई लो यहां से पड़ी यहां से खड़ी,
चलिए माइनस वन थ्री माइनस वन प्लस के बाद माइनस जैसे रिलेटिव पड़ी खड़ी वन टू थ्री पॉजिटिव नेगेटिव यहां से पड़ी यहां से हो गया। कैलकुलेशन करो बाबू, इस तरह तो बार बार बताते रहते थे। चलिए माइनस वन में वन से गुना, माइनस वन घटाओ, तीन में माइनस सेवन से गुना, माइनस इक्कीस। चलो माइनस जे वन में वन, तीन दूनी के छ, वन में माइनस बोलो, दो में माइनस वन से बाबू। चलिए हल करते हैं बउआ, माइनस माइनस प्लस चलिए माइनस वन में कितना होती है माइनस फाइव प्लस बैक्टर माइनस माइनस प्लस। चलिए देख लीजिए बाबू बढ़िया से, हाँ बाबू तो इसी को आगे बढ़ाते हैं बउआ। दोस्त देखो इसको हल करते हैं दोस्त, क्या होगा ये आपको हो गया बीस, किसका मान निकालना भैक्टर ए क्रॉस भैक्टर बी का, क्या आएगा बाबू बीस भैक्टर आई माइनस माइनस प्लस फाइव बैक्टर जे ई माइनस फाइव आएगा। अब आइए अब इसका मापांक निकालो बउआ, मापांक क्या तरीका रूट मापांक, मापांक मैंने मॉड तरीका बोलो, रूट अंडर आई का गुणांक बीस है, जे का गुणांक पांच है, के का गुणांक माइनस पांच। अब आइए रूट अंडर बीस का स्क्वायर कितना, चार सौ पच्चीस पच्चीस यानी हो गया साढ़े चार सौ हो गया। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं बउआ, चलो बउआ इसको हल करेंगे तब दो गुने दो सौ पच्चीस लिख सकते हैं, दो गुने दो सौ पच्चीस, दो सौ पच्चीस का वर्गमूल आपको होगा पंद्रह, देखो पंद्रह का वर्गमूल कितना होगा, पंद्रह में पंद्रह से पच्चीस सात, हाँ दो सौ पच्चीस, दो सौ पच्चीस का वर्गमूल कितना होगा पंद्रह, तो पंद्रह इंटू रूट टू होगा। हल करते हैं दोस्त कितना का मान, अब आई इसलिए हमको चाहिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला है, मैं मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, चलिए दिखाए थे कल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कितना मान लाए पंद्रह इंटू रूट टू वर्ग इकाई, दिस इज आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, अब वो इस चैप्टर का 11 क्वेश्चन देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। मान लीजिए कि भक्तर ए और भक्तर बी इस प्रकार है कि मॉड भक्तर ए का मान तीन, मॉड भक्तर बी का मान रूट टू बटा थ्री, तब भक्तर ए क्रॉस भक्तर बी एक मात्रक सदिश है, तब कहता है भक्तर ए और भक्तर बी के बीच का कोण, बीच का कोण माने थीटा निकालना। आइए हम इसको बनाते हैं दोस्त, सब लोग समझिए बड़े ऑब्जेक्टिव है।
पहले तो हमको बताइए कि 72A x 72B एक मात्रक सदिश, कौन सदिश है? मात्रक। जब मात्रक सदिश है तो इसकी मापांक इसकी मॉड 1 के बराबर हो, इसलिए मॉड 72A x 72B बराबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी फॉर्मूला पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड, इसकी फॉर्मूला देखो, मॉड 72A x 72B इंटू साइन थीटा बराबर 1। मॉड 72A का मान कितना? 3। मॉड 72B का मान कितना है? √2/3 साइन थीटा बराबर 1। 3 से 3 कट गया, आई √2 × sin θ बराबर 1। इकुना उधर जाके भाग, 1/√2 साइन इस्पाति में 1/√2 45 डिग्री मारे π/4 साइन π/4 साइन साइन हटा दे π/4 यानी बीच का कोण π/4 कौन आंसर होगा? बी होगा। समझ में आ गया? चलिए देखिए, बहुत इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 12 क्वेश्चन, एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी जिसके स्थिति सदिश क्रमशः, माने ए का स्थिति सदिश ई होगा, बी का स्थिति सदिश ई होगा, इस सी का हुआ, डी का हुआ, तो थ्योरी याद करो, ए के स्थिति सदिश माने पोजीशन वेक्टर, तो ए का स्थिति 72 हुआ, तो ये बता ए का स्थिति सदिश 72 ओए और 72 ओए का मान ई होगा, बी का स्थिति सदिश 72 ओबी और 72 ओबी का मान ई होगा, सी का स्थिति सदिश 72 ओसी बेहतर ओसी का मान ई होगा, डी का स्थिति सदिश 72 ओडी का मान ई होगा। तब क्षेत्रफल निकालना है, तो बताओ मेरे बाबू, तुम ध्यान से समझो, एक चतुर्भुज है, इसको इस आयत के कोई दो आसन भुजा निकाल लेना है, मान ले कि दिमाग में करके ए से 72 AD निकाल लो, 72 AB निकाल लो, मन में क्या ना बी से तो 72 BC और 72 BA, मन में क्या सी से तो 72 CB और 72 CD, मन में क्या डी से तो 72 DA और 72 AC, कोई भी निकाल सकते, कोई भी शीर्ष से चल करके कोई 2 vector निकाल लो, 2 vector निकालने के बाद दोनों का क्रॉस निकाल दो, दोनों का क्रॉस निकालने के बाद मापांक निकाल दो, वही उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम आइए क्या चलेंगे, बोले हमारा बताओ, बी से चलेंगे तो 72 BC निकाल लेंगे और 72 BA निकाल लेंगे, 72 BC और 72 BA निकाल लेंगे। फिर याद करो, इसको निकालने का 4 तरीका है, अगर ए से चलते हैं तो 72 AD और 72 AB निकाल कर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बी से चलना चाहते तो 72 BC और 72 BA को निकाल कर निकाल सकते हैं, सी से चलते हैं तो 72 CB और 72 CD को निकाल कर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, डी से चलना चाहते हैं तो 72 DC 72 DA निकाल करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी इसको आप 4 तरह से निकाल सकते हैं। तो हम बी से चलते हैं तो बी से चलेंगे तो 72 BA और 72 BC और 72 BA निकालना होगा। आगे बनाते हैं दोस्तों, गिवेन मार लेते हैं दोस्त, हाँ वो तो देखिए, गिवेन मैंने दिया हुआ ए का स्थिति सदिश 72 ओ ए ई हो, −βi + 1/2 βj +
फोर बाटर के अवय बी का बाटर ओ भी, बाटर ओ भी आपका ई होगा, बाटर आई प्लस वन बाय टू बाटर जे प्लस फोर बाटर के अवय बाटर ओ सी बराबर बैक्टर आई माइनस वन बाई टू बैक्टर जे प्लस फोर बैक्टर के बैक्टर ओ डी बराबर माइनस बैक्टर आई माइनस वन बाई टू बैक्टर जे। चलिए ये तो क्वेश्चन से दिल है, आइए पहले निकालते हैं बैक्टर ए पी। चलिए निकालिए तो अंतिम का पोजीशन घटाओ शुरू का पोजीशन, तो ए का पोजीशन भक्टर ए, बी का पोजीशन चलिए मान दीजिए भक्टर ओ ए का मान ई देंगे, घटाओ भक्टर ओ बी का मान ई दीजिए, हल करते हैं बुआ इसको जेम कहते उतार दे। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब आइए जो कटता से काट दो, कट गया माइनस आई माइनस आई तो लिख दो माइनस टू आई, कितना का मान आया बाबू भक्टर बी ए का मान आया माइनस टू आई। अब निकाल लेते हैं भक्टर बी सी, अंतिम सी है तो सी का पोजीशन भक्टर ओ सी का मान ए दे दो, फैक्टर ओ बी का मान चलिए कैलकुलेशन करते हैं बुआ, माइनस समय माइनस से गुना कर रहे चलो जो कटता से काटिए ई से ई कट गया और ए से ए कट गया बउआ, अब बचा माइनस वन बाई टू जे या माइनस वन बाई टू जे, माइनस वन बाई टू जे या माइनस वन बाई टू जे है ना, कितना का मान आया बाबू बैक्टर बी सी बराबर माइनस वन बाई टू जे माइनस वन बाई टू जे। अब इसको हल करेंगे बउआ तो माइनस वन बाई टू को कॉमन ले ले तो जे प्लस जे, तो जे में जे को जोड़ देता टू जे, इसे ही कट गया भक्टर बी सी बराबर निकल गया, तो भक्टर बी ए निकाल दिए भक्टर बी सी निकाल दिए। अब आइए ऊपर मिटाते हैं, मिटाते हैं दोस्त, अब इसलिए भक्टर बी ए बराबर, भक्टर बी ए बराबर सॉरी भक्टर बी ए क्रॉस भक्टर बी सी, तो भक्टर बी ए का मान कितना आया माइनस टू भक्टर आई क्रॉस भक्टर बी सी का मान क्या लाए माइनस भक्टर जे। चलिए इसको हल करते हैं बुआ, नीचे सब मिटाते हैं दोस्त, देखो बुआ हल करते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस भक्टर आई क्रॉस भक्टर आई
याद करो थ्योरी लिखाए थे कि दो भिन्न वेक्टर, दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो बताओ ये आई और जे है तो आई जे का क्रॉस के होगा। अब के को प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, आइए ये आपका डायरेक्शन बताएगा ऐसे। चलिए आई से जे की ओर है, आई से जे की ओर ऐसे। ये कौन दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो के को लिखेंगे प्लस में। क्या हो गया, टू इंटू भक्तर के, इसलिए आप मापांक निकालते हैं। चलो बाबू अब डायरेक्ट पहले लिख आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला, मॉड भक्तर ए बी क्रॉस भक्तर बी सी, मॉड भक्तर बी ए क्रॉस भक्तर बी सी। आइए मॉड इतना का मान दे दीजिए, टू इंटू, अब अलग अलग करिए दो का भी मॉड और के का भी मॉड, बताओ मॉड का दो का मॉड दुए होगा। अब बताओ के जो है यूनिट वेक्टर है, तो बताओ यूनिट वेक्टर का मापांक वन के बराबर, बताओ क्या होगी मॉड वेक्टर के का मान वन यानी दो होगा। इसको लिख देंगे वर्ग इकाई। ऑप्शन मिलाइए, जाके चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में आपका आंसर चारों ऑप्शन आपका ऑप्शन में सी होगा। इस तरह से आपका मैथ क्या हो गया, खत्म हो गया। और एक क्वेश्चन जो साथ हो जो पेज में लिख करके चाहे तो टेलीग्राम में डाल देंगे या कम्युनिटी में डाल देंगे। कल से हम आपको शुरू करेंगे 3D। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं।